ससुरालियों ने प्लॉट खरीदकर बनाया मकान, पत्नी की मौत के बाद दस्ताले कराना चाहते हैं खाली, कलेक्टर से शिकायत। शिवपुरी के पिछोर कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की मौत के बाद साले मकान खाली कराना चाहते हैं। पीड़ित आज इसकी शिकायत जनसुनवाई में पहुंचकर दर्ज कराई है। दरअसल पीड़ित ने उसके ही ससुराल वालों से अनुबंध नोटरी पर लिया था, इसके बाद उसने मकान बनवा लिया। हालांकि पत्नी की मौत के बाद उसके ससुरालियों की नीयत बिगड़ गई। पीड़ित ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ दो बेटियां और एक बेटा है, ऐसे में अगर मकान खाली करना पड़ा तो वह सड़क पर आ जाएंगे। पिछोर कस्बे के बीजासन कॉलोनी वार्ड नंबर 1 के रहने वाले दयाशंकर चौबे पुत्र उमा शंकर चौबे ने बताया कि वर्ष 2012 में उसने 875 वर्ग फीट का एक प्लॉट अपनी सास रमा देवी पत्नी कैलाश नारायण पुरोहित से 1 लाख रुपए में खरीद लिया था, जिसका विक्रय पुत्र न कराकर मेरी पत्नी संध्या चौबे के नाम एग्रीमेंट पत्र नोटरी शशि कुमार एडवोकेट ने संपादित कराया था। ससुरालियों ने बाद में रजिस्ट्री नामांतरण कराने की बात कह दी। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ मकान बनाकर रहने लगा था। दयाशंकर चौबे ने बताया कि उसकी पत्नी संध्या चौबे की मौत 2015 में हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में उस प्लॉट का नामांतरण ससुरालियों ने मेरे साले के नाम चोरी छुपे करा लिया। इसके बाद अब लगातार सालों द्वारा मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। आज उस मकान की कीमत 20 लाख रुपए हो गई है और इसके पास इसका अनुबंध भी उपलब्ध है, इसके बावजूद धमकियां मिल रही है। इसकी शिकायत पिछोर थाने में की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके पास रहने का कोई अन्य मकान नहीं है, ऐसे में अगर उसे मकान खाली करना पड़ा तो वह और उसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इसी के चलते आज वह कलेक्टर के पास आया और न्याय चाहता है। मैं आपका मेरा दयाशंकर चौबे, कहाँ रहते हैं आप? पिछोर बीजासन कॉलोनी वार्ड नंबर 1। किस समस्या को लेके आए हैं? मेरा मकान, मेरी सास ने जगह दी थी, उस मकान को मैं नोटी करा के दिया था। अब वो साले के नाम उसने नामांतरण करा दिया, मुझे कह रही कि यहाँ से मकान खाली करो। साले ने करा लिया आपके? हाँ। कितना बड़ा मकान था? मेरा 875 वर्ग फुट में मकान बना है। तो आप रह रहे थे उसमें? हाँ, उसी में अभी भी निवास कर रहा हूँ, 2012 से निवास कर रहा हूँ। 2012 से? हाँ। तो अब क्या कह रहा साला? मेरी साला कह रहा है कि यहाँ से निकलो, तुम्हारा कुछ नहीं है, नोटी थी, नोटी कोई मान नहीं होती, तुम यहाँ से निकल जाओ, और नहीं तो मैं रिवॉल्वर से तुम्हें और तेरे लड़के को मार के फेंक दिया। कितने साले आपके? मेरा 2 है साले। तो ये कौन से वाले? धर्मेंद्र पुरोहित। धर्मेंद्र पुरोहित, छोटा वाला है? हाँ, छोटा वाला। उसके पास लाइसेंस ही रिवॉल्वर है। तो आपकी पत्नी? मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी 2015 में। तो आपने जो नोटरी कराई थी किसके नाम से कराई थी? मेरी मिसेज के नाम, संध्या चौबे के नाम। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ साइन वगैरह कर दी हो पहले? नहीं, नहीं, मेरे खत्म होने के बाद? नहीं, कुछ नहीं किया साइन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कौन कौन रह रहा था आप वहाँ पे? मैं और मेरे दोनों बेटे रहते, बेटी रहती और एक बेटा। तो अब निकाल रहा है वो? हाँ, वहाँ से मुझे आए दिन लड़ाई करने आता, गाली गलौज करने आता, रिवॉल्वर से मुझे धमकी 2-3 बार, फायर भी कर चुका है मुझे। तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? मैंने पिछोर थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस वाले कुछ सुनते नहीं है। FIR में FIR हुई कभी? मैंने की थी 2000, अभी किया था 22 में FIR, कुछ नहीं हुआ। पैसे वाले हैं, क्रॉस केस करा देते, हर बार पैसा पटक देते। क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहूँ फैसला हो जाए, न्याय मिले मुझे। तो मेरा जो जगह दी थी वो मुझे मकान नाम करा दें, मुझे या मेरे बालक के नाम रजिस्ट्री करा दें। और मेरा, अच्छा, आपकी पत्नी कितनी बहन थी? और 4 बहन थी। 4 बहन, तो सभी के उसमें आई थी? हाँ, सभी का नाम हटवा के और सबका नंबर दो के फर्जी तरीका से अपने नाम, हमारी सास ने दोनों लड़कों को नाम करा दिए थे। अच्छा, तो बाकी और बहनों को, उनको भी आपत्ति है? हाँ, उनको भी आपत्ति है, मेरी जो है तीसरे नंबर की, उसको आपत्ति साली। हाँ,